फ्रेंड्स, हम आ पहुँचे हैं रामगढ़ पार्क, जो कि झारखंड के रामगढ़ में है। इसे मौलाना अब्दुल कलाम पार्क भी कहा जाता है, जिसका उद्घाटन 5 अप्रैल 2023 में किया गया था। कहते हैं इसकी लागत करीबन 7 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। बाहर से तो गजब का नज़ारा है भाई, मार्वेलस। तो अब अंदर चलते हैं और देखते हैं कि पार्क के अंदर का नज़ारा कैसा है। यहाँ एक एंट्रेंस पर ही एलईडी लाइट से जौहर रामगढ़ का एक डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ है, जो कि बहुत ही आकर्षित लग रहा है। यहाँ लोगों का फ़ोटो खींचने का तांता लगा रहता है। और सामने एक बहुत ही मनमोहक वाटर फाउंटेन है, जिसका रंग हर पल बदलते रहता है और लोग इसका आनंद लेने से नहीं चूकते। पार्क बहुत ही नीट एंड क्लीन है, कहीं एक पेपर का टुकड़ा भी नज़र नहीं आ रहा। हाँ, जगह जगह डस्टबिन जरूर नज़र आ रहा है। यहाँ एक आप देखेंगे कि एक झूला भी है, जो खासकर बच्चों के लिए बना हुआ है। यहाँ एक छोटा सा ऑर्केस्ट्रा का भी इंतजाम किया गया है, जो कि निरंतर संगीत का आनंद देते रहता है। बच्चों के लिए खेलने का भी इंतजाम है, जहाँ बच्चे आनंद ले सकते हैं। यहाँ हर जगह रास्ते से लगकर बेंच भी बने हुए हैं, यहाँ आप समय समय पर सुस्ता भी सकते हैं। इस पार्क में एक हाथी का मॉडल भी बना है, जो देखने में रियल हाथी के जैसा दिखता है। यहाँ पार्क में आएंगे तो लगेगा कि भाई थोड़ा योगासन भी कर लें, शायद इसीलिए यहाँ सूर्यासन के सभी पोज दिए गए हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति आसानी से सूर्यासन कर सके और अपने आप को स्वस्थ रख सके और डॉक्टर और दवा दोनों से दूर रह सके। यहाँ कुछ बच्चे भी खेल खेल में अभ्यास करते हुए नज़र आ रहे हैं। वैसे सूर्यासन सभी आसनों का राजा है, मतलब यह कि केवल सूर्यासन से ही सभी आसनों का लाभ प्राप्त हो सकता है। फाइनली यह कह सकते हैं कि ऐसे पार्क में आने से मन प्रसन्न हो जाता है और सभी टेंशन भी दूर हो जाते हैं। प्यारे बंधुओं, कृपया करके सामने का सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर भी कर दें। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।